नमस्कार दोस्तों, मैं दशरथ सिंह अपने YouTube चैनल कल्पना करो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज हम आपको दिल्ली के चिड़ियाघर लेकर आए हैं जहाँ पर ये सांभर हिरण है। ये सांभर हिरण भारत तथा इंडोनेशिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में सबसे ऊंचाई वाले भाग करीब 3000 मीटर की ऊंचाई तक ये ऊपर ही रहते हैं, और जो सांभर हिरण में नर होते हैं उन्हीं के सींग पाई जाती है, और सींग वो जो इनके होती है वो तीन हिस्सों में बंटी होती है, और उस सींग की लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर तक ही होती है। सांभर हिरण खाने में घास, पत्तियां तथा जंगली फल खाते हैं, जो जंगल में फल इनको मिलते हैं फल खाते हैं, और मांसाहारी शिकारियों से बचने के लिए ये पानी में तैर कर तेज़ी से भाग सकते हैं। ये पानी में काफ़ी अच्छा तैर लेते हैं और काफ़ी तेज़ी से भाग कर निकल जाते हैं, और ये प्रजनन के समय को छोड़कर एकांत में ही रहना पसंद करते हैं, और ये भारत का सबसे बड़ा हिरण है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा हिरण है। दोस्तों, ये कृष्ण मृग है। ये कृष्ण मृग भारत में पाए जाने वाला सबसे सुंदर मृग में से एक है। ये सबसे फुर्तीला होता है, भागने में बहुत तेज़ होता है। ये किसी शिकारी की आहट पाते ही उछलता हुआ छरहरा मृग तेज़ी से दौड़कर भाग निकलता है, और ये मृग खुले मैदान में ही ज़्यादातर रहते हैं। ये अंदर में कहीं छुप के नहीं रहते, ये खुले मैदान में ही रहते हैं, और अन्य जानवरों की तुलना करें तो कृष्ण मृग का शिकार करना सबसे आसान था। एक समय तो ऐसा हो गया था कृष्ण मृग तो लुप्त ही हो गया था, लेकिन भारत में इसकी सुरक्षा बढ़ाई गई और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए इनको सुरक्षा दी गई, और अब ये काफ़ी सुरक्षित है, और ये भारत में काफ़ी चिड़ियाघरों में कृष्ण मृग पाए जाते हैं। ये कृष्ण मृग पहले तो लुप्त हो गए थे क्योंकि इनका शिकार करना जंगली जानवरों के लिए बहुत आसान था, लेकिन अब ये काफ़ी सुरक्षित हैं और ये भारत के चिड़ियाघरों में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये भृगुसिंगी हिरण है। भृगुसिंगी हिरण विराट श्रृंगों इनके इनको जो है ना सार्थक बनाते हैं, और इन हिरणों के सींग प्राथमिक छोर से लेकर अंतिम छोर तक शालीनतायुक्त घुमाव वाली होती है। ये अभी बच्चा है, इसके सींग नहीं है, और इन हिरणों के संघाई भारत और मणिपुर हिरण के नाम से भी पहचानते हैं, और ये हिरण प्रकृति तौर पर ये कम्बुलेन जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य मणिपुर में पाए जाते हैं, यहाँ पर इनको राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में ले जाया गया और वहाँ पर इनका सही तौर से प्रजनन कराया गया, जो काफ़ी ये पहले लुप्त हो चुके थे, अब ये प्रजनन कराकर इनकी संख्या बढ़ाई गई और ये अब काफ़ी भारत में पाए जाते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान का की देन है। तो नमस्कार दोस्तों।